स्वागत है आप सभी का आपके भाई के पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर जो फ्रैंकलिन है वो आराम से अपने घर पे चिल करते हुए एक टीवी देख रहा था और गाइस टीवी में उसने देखी एक लग्जरी सीडान कारों की एड। तो गाइस उसके पहले से दिमाग में चल रहा था कि मैं खुद के लिए एक सीडान कार बाय कर लूं। तो गाइस अभी जो है वो टाइम परफेक्ट है उसके लिए एक सीडान कार बाय करने के लिए। तो गाइस फटाफट हम पहले सिमोन को कॉल करते हैं। तो गाइस ये सिमोन जो है आपको पता ही होगा एक पीडीएम डीलरशिप मोटर स्पोर्ट्स का एक डीलर है और उसका ये एक शोरूम है बढ़िया सा। और गाइज फटाफट हमारी जो सिमोन से बात हो चुकी है। तो गाइज उसने बोला है कि ये जो टीवी पे एड डाली थी वो मैंने ही डाली थी। तो गाइज उसके पास अभी ये तीनों कार अवेलेबल है। तो गाइज हम फटाफट चलते हैं अब पीडीएम पे और फटाफट देखते हैं तीनों कार्स। तो गाइज जो कार्स है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। एक बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज है, मर्सिडीज एस क्लास है और गाइज जो तीसरी कार है वो सबसे फेवरेट मतलब फ्रैंकलिन की, क्योंकि उसके पास भी पहले से फ्रैंकलिन के पास ऑडी की पहले से कार अवेलेबल है जो है Q7। तो गाइज अभी जो आई है तीसरी थर्ड सीडान कार है वो है ऑडी की A10। तो गाइज वो भी सीडान में बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो गाइज अभी फटाफट हम चलते हैं बाहर की तरफ और हमारी जो कार है जो फ्रैंकलिन की फर्स्ट कार उसने बाय की थी ऑडी Q7, तो उसमें फटाफट हम बैठते और चलते पीडीएम डीलर मोटर स्पोर्ट्स में। तो गाइज अभी के लिए मैं था बिजी तो गाइज वीडियो नहीं आ रही थी। तो इस बार गाइज पक्का अभी हफ्ते में 3 बार तो वीडियो आएंगी। तो गाइज अभी चल झूठा टेंशन की बात नहीं क्योंकि मेरी 12 भी हो चुकी है खत्म और अभी मैं फ्री हूँ। तो गाइज वीडियो आएंगी तो प्लीज जो भी चैनल पे नए हो वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में पूरे हम कार भी बाय करने वाले और तीनों कारों की टेस्ट भी लेने वाले टेस्ट ड्राइव। तो ये फटाफट हम चलते हैं यहाँ से। अभी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कैसे गाड़ियां चलाई जाती है, कौन से नशे में गाड़ियां चलाई जाती है हमको नहीं पता गाइस। तो हम फटाफट अभी चलते हैं और गाइस इसको जो है ना फ्रैंकलिन को इसको ऑडी का बहुत शौक है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑडी ही खरीद लेते हैं बट सेम हो जाएगी ऑडी की ब्रांड। हमें अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां ट्राई करनी चाहिए। तो मेरे मन में चल रहा है एक तो बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज में मैं ज्यादा फोकस करूं। अभी देखते हैं क्या सीन है फ्रैंकलिन के दिमाग में क्या चल रहा है और फ्रैंकलिन की पसंद कौन सी है उसमें ही हम प्रिफर करेंगे क्योंकि फ्रैंकलिन को ऑडी की ज्यादा कार्स बाय बट हाँ सीडान्स में और एसयूवी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो देखते हैं अभी तो गाइस हम आ चुके हैं पीडीएम में और फटाफट हमारी जो कार है वो यहाँ पर पार्क कर देखते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है तीनों गाड़ियां अवेलेबल है तो फटाफट हम सिमोन से भी बात कर लेते हैं और हमारी जो ऑडी की उसे है वो भी हम यहाँ पर पार्क कर देते हैं। और यहाँ पर तो तीनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है और यहाँ पर मेरी Q7 को थोड़ा सा स्क्रैच आ चुका है तो बाद में उसको भी रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा खर्चा है बट हाँ अभी के लिए हम पहले तीनों गाड़ियां पे फोकस करते हैं। जो है यहाँ पर देख सकते हो पहली जो गाड़ी है वो है ऑडी A10 और दूसरी जो है वो है मर्सिडीज की एस क्लास और तीसरी जो है वो बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज। जो सामने से दिखने में फ्रंट साइड से दिखने में जो क्लास लग रही है वो तो मुझे बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज लग रही है। ऑडी के और मर्सिडीज के इतना ऑडी और मर्सिडीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बट हाँ ये जो तीनों गाड़ियां लग्जरी बहुत है। बट गाइज हमारी सिमोन से बात हो चुकी है और उसने बोला डायरेक्टली तू गाड़ियां ओपन है तू डायरेक्टली टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो गाइज हम फटाफट बैठ चुके हैं बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज में जो हमारी फर्स्ट कार है। तो देखते हैं गाइज इसको हम पहले टेस्ट ड्राइव करके आते हैं और हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि फ्रैंकलिन को कैसी लगती है ये कार और इसका कलर जो है ब्लू है या फिर ब्लैक है थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट है बट कोई नहीं अच्छी है। और यहाँ पर है गाइस मर्सिडीज एस क्लास, इसमें भी देखते हैं इंटीरियर कैसा है। ओ क्लास है इसका इंटीरियर और इसमें भी एम्बिएंट लाइट आती है शायद से और हाँ आती है बाकी बीएमडब्ल्यू में नहीं आती, बीएमडब्ल्यू और ऑडी में भी आती है शायद देखते हैं आगे। बट इसका भी सनरूफ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मर्सिडीज की कार सीडान्स में। बट हाँ मैं तो पैसे भरने वाला ना, फ्रैंकलिन खुद भरने वाला है तो फ्रैंकलिन के ऊपर है कि उसको कार कौन सी पसंद आती है। तो गाइज यहाँ पर है ऑडी 8L, तो गाइज ये भी बहुत ज्यादा तगड़ी कार है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पूरा इंटीरियर जो है वो ब्लैक है और सच में इसको सनरूफ है कि नहीं, हाँ है इसको भी सनरूफ है और
यहाँ पर अभी हम उतरते और पहली गाड़ी की लेती हम BMW 7 सीरीज की जो है न्यू एडिशन 2022। तो गाइज अभी के लिए यहाँ पर दो गाड़ियाँ, एक व्हाइट में, एक ग्रे में और शायद ब्लैक या ब्लू में, क्या पता यार, छोड़ ब्लू में शायद, क्योंकि वो सन की वजह से हमें दिख नहीं रहा। तो गाइज फटाफट हम बैठ चुके हैं BMW 7 सीरीज में और इसकी जो फर्स्ट राइड है हम ले रहे हैं। तो गाइज अभी के लिए तो अच्छी खासी इसकी स्पीड है और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी जो पीछे की लाइट्स है गाइज वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिख रही है। और गाइज मुझे तो ये गाड़ी पसंद आई है, बट अभी भी दो गाड़ियाँ बाकी है टेस्ट ड्राइव लेने की, तो हम ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बार तीनों गाड़ियाँ की टेस्ट ड्राइव हो गई तो कंपैरिजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। बट गाइज इसकी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी स्पीड है और टर्निंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इस गाड़ी का। अभी देखते हैं इसकी जो प्राइस, वैसे इन तीनों की जो गाड़ियों की प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऊपर नीचे हाँ, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी बस हमें क्योंकि ये तीनों भी जो गाड़ियाँ है वो ऑलमोस्ट तीनों, मतलब 7 सीरीज है, एस क्लास है और एयरटेल, वो तीनों भी अपने अपने टॉप लेवल पे ही है अपने अपने ब्रांड के इसमें। तो गाइज जो अभी के लिए जो BMW 7 सीरीज की उसकी जो टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, अभी फटाफट हम इसको पार कर लेते और देखते, क्योंकि मुझे मैंने सिमोन से जब बात कर रहा था वो तब ये बोल रहा था कि मर्सिडीज की जो एस क्लास है भाई वो सबसे अच्छी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी है अवेलेबल है और तेरे लिए भी बहुत अच्छी है। अगर तुझे एक अच्छी खासी सीडान गाड़ी चाहिए तो माइलेज में भी अच्छी है, माइलेज का तो आता ही नहीं लग्जरी कारों में, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कार ले रहे हैं तो उसमें क्या माइलेज देखना। बट हाँ सबसे बढ़िया है ब्रेकिंग के लिए भी और भागने भी, और अंदर से जो इंटीरियर है उसका वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, मतलब कंफर्ट लेवल देखा जाए तो मर्सिडीज एस क्लास में है अभी के लिए। तो गाइस फटाफट और इसकी जो टेस्ट ड्राइव लेने में जो मज़ा आ रहा है वो मुझे BMW में इतना अच्छा नहीं लगा। बट गाइस आप देख सकते हो कि मर्सिडीज देखने में भी अच्छी है और लुक वाइज भी अच्छी है, हम इसका कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर मार्केट, बट अभी के लिए मुझे मर्सिडीज एक फिलहाल अच्छा ऑप्शन लग रहा है। बट हाँ ऑडी भी रह गई है हमारी टेस्ट ड्राइव के लिए और फ्रैंकलिन की पसंद है ऑडी की ऑडी, क्योंकि उसने जो ली थी फर्स्ट कार ऑडी की ली थी, क्योंकि उसको ऑडी ब्रांड पसंद है। अभी देखते हैं, तो वैसे इसको फटाफट हम पार कर देते हैं इस गाड़ी को भी और अभी फटाफट चलते हैं ऑडी एयरटेल में। बट हाँ इसका जो फ्रंट लुक है ना BMW का वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज कंपेरिजन टू मर्सिडीज। बट हाँ अभी के लिए हम बैठे हैं ऑडी एयरटेल में। तो गाइस फटाफट अभी हम लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव और गाइस ये जो गाड़ी है भाई पिकअप में तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े, आप देख सकते हैं अभी मैंने थोड़ी सी रेस दी है और 150 ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है गाड़ी इधर तक। वैसे इसको पिकअप भाई बहुत ही, मतलब गाड़ी को इस पावर बहुत ज़्यादा है एयरटेल को, इसमें भी फीचर्स अवेलेबल है बहुत सारे पर जितने मर्सिडीज में है उतने नहीं है। ये भी गाड़ी अच्छी है, मतलब अभी देखते हैं कि फ्रैंकलिन क्या लेता है, कौन सी कार लेता है। बट अभी इसको हम फटाफट पार कर देते हैं। मुझे ऑडी और मर्सिडीज में दोनों में कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कौन सी बाय करनी चाहिए, क्योंकि BMW इतनी मुझे खास नहीं लगी। और हाँ मुझे लग रहा है ऑडी एयरटेल ज़्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू इन दोनों के, BMW और मर्सिडीज। तो गाइस हम फटाफट सिमोन से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने जो है कौन सी कार, मतलब फ्रैंकलिन ने जो है कौन सी कार बाय करने का सोचा है। तो गाइस अभी फटाफट हम बैठते हैं हमारी ऑडी Q7 में और चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी फ्रैंकलिन ने जो डिसाइड किया है वो किया है मर्सिडीज एस क्लास। तो गाइस उसको जो है मर्सिडीज एस क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके पास ऑडी Q7 पहले से ही है, ऑडी की ब्रांड जो है वो पहले से ही है। तो मैंने फ्रैंकलिन ने सोचा कि चलो हम मर्सिडीज ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड ट्राई करने में उसको पसंद है गाड़ियों की, और हाँ मर्सिडीज वैसे अच्छा खासा ऑप्शन है उसके लिए, तो उसने मर्सिडीज खरीद लिए। तो गाइस अभी फटाफट हम चलते हैं घर पे और सिमोन ने बोला मैं शाम तक तेरी कार की डिलीवरी करवा देता हूँ, तो तू टेंशन मत ले, आराम से जा घर पे, चिल कर, सो जा, तो तब तक हम आ जाते हैं। और गाइस
अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अपने इधर तक देखी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस दोनों लैंग्वेज में भी वीडियो आएगी, तो ऐसा मत सोचो कि हिंदी में ही डालूंगा मराठी में डालूंगा। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बोलता रहा हूँ कि आप मुझे फोर्स मत करिए कि मराठी में ही डालो हिंदी में ही डालो, तो गाइस दोनों लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा वीडियोज डालने के लिए। तो आप दोनों लैंग्वेज में भी उतना ही सपोर्ट दो जितना आप हिंदी में देते रहो या फिर मराठी में देते रहो। अगर आपको मराठी नहीं समझता तो हिंदी थोड़ा थोड़ा ट्राई करो समझने की, मेरी वीडियोस देख के आप सीख जाओगे। अगर आपको हिंदी नहीं समझता तो थोड़ा थोड़ा मेरी वीडियो देख के ट्राई करो, आप भी समझ जाओगे और सीख जाओगे। आपको जो भी लैंग्वेज नहीं आती वो लैंग्वेज, बट हाँ दोनों वीडियोस को भी उतना ही सपोर्ट दो जितना आप देते आ रहे हो और आपका प्यार ही। और हाँ गाइस, अभी वीडियोस रेगुलर आ जाएगी, रेगुलर मतलब हफ्ते में दो तीन वीडियोस तो आ जाएगी, तो उसका टेंशन नहीं। और अभी मैं फ्री हो चुका हूँ तो अभी पूरा फोकस मेरा इन वीडियो पे ही रहेगा, तो जितना सपोर्ट देते जाओगे उतना कम है मेरे लिए। तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अच्छी खासी आपके लिए वीडियोस लेते रहूंगा। और आप भी बताओ कि आगे आपको क्या देखना पसंद है और कौन कौन से गेम्स देखना पसंद है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग गेम खेलना पसंद है, जैसे कि GTA 5 हुआ, हीरो ट्रक हुआ, बहुत सारे गेम्स है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और देखते हैं, मैं ट्राई करूंगा खेलने के लिए आप जो गेम मुझे प्रिफर करोगे वो गेम। तो गाइस अभी के लिए मुझे सिमोन का कॉल आया है, तो हम फटाफट बाहर चलते हैं, और मेरी जो कार की डिलीवरी है वो आज ही होनी थी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरी कार की डिलीवरी आ चुकी है, मर्सिडीज एस क्लास की। तो गाइस गाड़ी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अभी इसको हम करेंगे अगली वीडियो में पीफिया, और वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा करेंगे और ट्राई करेंगे इसका कलर चेंज करने के लिए। अभी के लिए तो इसके पास यही अवेलेबल था, बट कोई बात नहीं, हमारे पास कलर के भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आफ्टर मार्केट, इसमें हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट हाँ, फ्रैंकलिन को तो अभी यही कार का नंबर देखना पड़ेगा। बट हाँ गाइस, गाड़ी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, काजीगा। मैं तो